झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने सारे अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अगली सुनवाई 2 मार्च को निर्धारित की है। माननीय हाईकोर्ट स्वत संज्ञान के मामले में संवैधानिक वैधता की जांच करेगी। वहीं विधानसभा स्पीकर ने स्वत संज्ञान लेते हुए 10वीं अनुसूची के तहत स्वत नोटिस जारी की थी, उसे स्पीकर ने वापस लिया। यह हियरिंग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। आइए सुनते हैं आरएन सहाय, वरिष्ठ अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय ने क्या कहा। माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन साहब और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद साहब के डिवीजन बेंच में ये मैटर आज लिस्टेड था, कॉल हुआ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि हम और कोई कुछ बोलना चाहते हैं जो बहस हो चुकी है उस पर, अगर छूट गया हो, नहीं तो हम अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमारा तो सब बहस हो चुका था, हमने कुछ नहीं कहा। और भी दिल्ली से वेंकट रमनी साहब ज्वाइन किए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और लंदन एडवोकेट जनरल ने भी कुछ नहीं कहा। कपिल सिब्बल साहब भी बाद में आए, ज्वाइन किए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम ये इस सुओ मोटो कॉग्निजेंस के स्वतः संज्ञान के मामले पर हम विस्तृत सुनवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप लोग कोई डेट सजेस्ट कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथाशीघ्र इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो जो गए थे सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है कि उनसे ही पूछा गया होगा, क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ नहीं है। अगर रिजनेबल टाइम पर सुनवाई हो रही है तो उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, कोर्ट ही जो फिक्स करे। तो कोर्ट ने पहले फरवरी का डेट फिक्स किया था, बाद में कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मार्च में किया जाए। तो 2 मार्च का फाइनल हुआ कि 2 मार्च से सुनवाई शुरू होगी। तो 2 मार्च को ये मैटर रहेगा लिस्ट पर।